फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉप करवा चुकी हूँ, तो फिर आज ये टॉप टॉपिक क्यों फिर से चल रहा है। तो मुझे कमेंट आया था कि मैम, मेरा जो फॉर्मूला है वो गलत है। तो मैंने इस पे बहुत सोचा और बहुत सारी बुक्स उठाकर देखा मैंने कि मेरा फॉर्मूला कहाँ पर गलत है। तो वाकई में मेरा फॉर्मूला गलत था। तो मैंने जो आपको गलत जानकारी दी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन गलत जानकारी आपको मिली तो उसको सही जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बता दूं, वैसे फारेनहाइट को एफ से दिखाते हैं और सेल्सियस को सी से। ये तो मैं आपको बता चुकी थी। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला था सी, यानी कि सेल्सियस को हमें निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और फारेनहाइट को निकालना होता है तो ये फॉर्मूला। तो ये जो हमारा फारेनहाइट का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला गलत है। क्योंकि जब मैंने सोचा, हम बॉडी टेम्परेचर, हम जानते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है फारेनहाइट और सेल्सियस में, तो पता चला कि ये सही आंसर नहीं दे रहा था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा सही आंसर नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में गलत है। तो मैंने और जानकारी इकट्ठी की, तो पता चला कि हमारा ये फॉर्मूला तो सही है, बट जो हमारा फारेनहाइट का निकालने का जो फॉर्मूला है वो गलत है। तो फारेनहाइट का जो नया फॉर्मूला है वो 9C, वही मतलब सेल्सियस, प्लस 160/5। ये फॉर्मूला हमारा सही है। देखिए, हम इसको लगाते कैसे, हम इसको एक ही पैटर्न पे लगाएंगे, देखेंगे, समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार हो चुका है लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी। आप सोचेंगे ये गलती हुई कैसे, तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास जो बुक है मैं उसमें से आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो बुक है इसमें यही फॉर्मूले हैं, मैंने यही फॉर्मूले आपको दिए थे, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला तो सही है और ये फॉर्मूला गलत साबित हो गया। ठीक है, मैंने दूसरी बुक से ये चीज को देखना चाहा, तो यहाँ पे भी मुझे मिला, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले सही हैं। हमारा पहला फॉर्मूला भी सही है और यहाँ पे जो फारेनहाइट का फॉर्मूला है वो ये है, तो हमारा ये फॉर्मूला सही है। तो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं इस पे क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा समझना ईजी हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस और 98.6 फारेनहाइट। ये हमारा होता है बॉडी का टेम्परेचर। दोनों चीज हमें पता है, हम सेल्सियस के फॉर्मूले पर फारेनहाइट, सेल्सियस यानी कि अगर फारेनहाइट के हमको फारेनहाइट देखना है तो ये हम इस फॉर्मूले पे इसे देख लेते हैं सेल्सियस के निकालने के लिए, और फारेनहाइट हमें निकालना तो ये। अगर इन दोनों पे हमारे ये दोनों फॉर्मूले सही आते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे फॉर्मूले सही हैं, वरना गलत। तो हम पहले क्या निकालते, देखो हमें पता है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम इतना है, हम सेल्सियस निकालते हैं। सेल्सियस हमको सेल्सियस जानना है, जबकि हम जानते हैं कि कितना है आंसर, यानी कि 98.6 फारेनहाइट से निकालेंगे हम इसे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। ये फॉर्मूला हमारा सही था, ये गलत नहीं था। तो इसको हम दिखाते हैं, अगर हमारा ये आता है 37 डिग्री सेल्सियस आता है तो ये फॉर्मूला हमारा सही है, अन्यथा गलत। ठीक है, हम इसे लगाते हैं, क्या आता है देखिए, 5/9 फारेनहाइट हमारा क्या है, 98.6 माइनस 32, ये आएगा हमारा। हम इसे माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा 5 × पहले हम यहीं पे कर ले या फिर उसको अलग कर ले बटे में 9। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आएगा 333/9, ये आ गया। अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आ गया आंसर, ये आंसर है। और आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा तापक्रम है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। देखिए, यहीं पे दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम निकालेंगे फारेनहाइट, हमारा फारेनहाइट का फॉर्मूला गलत था तो हम फारेनहाइट निकालेंगे। तो फारेनहाइट के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फारेनहाइट के लिए हमारा 9C+160/5। इस पे हम रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 9 और C यानी कि सेल्सियस, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं दिखाया गया, इसका मतलब है कि ये क्या है, गुणा करना है हमारा। तो इंटू कितना है हमारा, 37 है, यहाँ पर 37+160/5 हम इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा
प्लस 160 अपान 5, ये आएगा। आप लोग करते रहिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स, ये गलती तो हुई है मुझसे, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैं उसको सुधारना भी चाहती हूँ, तो आप मुझे इसका लिए मौका ज़रूर दें। तो देखिए ये आगे, अगर हम इसे ऐड करें तो हमारा आएगा 493, यही आएगा अपॉन में 5। अगर हम इसको काटें तो हमारा आएगा 98.6 फारेनहाइट। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, हमको फारेनहाइट निकालना था, हमारा फारेनहाइट आ चुका है। यहाँ पे हमको सेल्सियस निकालना था, तो हमारा सेल्सियस आ गया, यानी कि ये हमारा सही, यानी कि अब ये जो हमारे दोनों फॉर्मूले बनकर तैयार हुए ये दोनों सही हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जो फार्मूला मैडम ने बताया था, मैंने थी या सर थी बट आई डोंट नो, तो कहने का मतलब कि उन्होंने जो फार्मूला दिया था उनका भी फार्मूला वो गलत था, राइट फार्मूला ये है। तो फ्रेंड, और फ्रेंड्स उस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन मेरा था कि 59 फारेनहाइट को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो उसका आंसर 15 है, सही है, क्योंकि हमारा सेल्सियस का जो फार्मूला था वो सही था, फारेनहाइट का गलत था। तो यहाँ पे सेल्सियस पूछा गया, यानी कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया था वो आपका फार्मूला सही है, इसलिए उसका आंसर 15 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स इतनी सी बात कहनी थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, आई एम सॉरी जो मुझसे ये गलती हुई। फ्रेंड्स कोशिश करूँगी कि आपका टीटी के एग्ज़ाम से पहले मैं जो 3 टॉपिक आपके बच रहे उसे भी कंप्लीट करवा दूँ। तो फ्रेंड्स अगली टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।